सर्वेस कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे भाई। आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी नन्ही सी गुड मॉर्निंग। अभी हम हैं भाई यहाँ पे अपना जम्मू वाले ढाबे में, तो यहीं रुके थे। अभी आज लोडिंग की चल रही है तलाश यहाँ पे गाड़ी की, ढाबे के पास खड़ी। तो अपने भाई लोगों की गाड़ी है, भाई भी ये भाई की गाड़ी साथ में, भाई खाली करके आए थे, भाई को इंदौर जाना था, भाई भी यहीं रुके, भाई करवा रहे हैं अपनी गाड़ी में ग्रीस और आगे भाई की गाड़ी 14 चक्का। भाई जा रहे हैं कर्नाटका, कर्नाटका पड़ा ना, केरला में। भाई पूरे लास्ट जा रहे हैं भारत के, भाई भी रुके यहाँ पे रात को, भाई ने निकलना था बट हमारी गाड़ी यहाँ पे थी, यहाँ पे रुके रात को, खाना वगैरह सब साथ में खाया। अभी कर रहे हैं गाड़ियाँ स्टार्ट, इसको ग्रीस करवानी है, कुछ काम करवाना, फिल्टर साफ कराना करवा रहे हैं। भाई भी जाएंगे लोडिंग के लिए इंदौर, भाई तो निकलेंगे निकलेंगे, हम भी देखते हैं अगर आज नहीं यहाँ से ड्रग माल मला तो हम भी यहाँ से भर के नासिक के निकलेंगे लोकल माल, फिर नासिक से अंगूर भरेंगे। देखते हैं, दिन तो टूट ही रहे हैं। ये अपना जम्मू वाला ढाबा, यहाँ पे और भी जम्मू वाली गाड़ियाँ देखो 14 चक्का, क्या प्यारी गाड़ी है गाइस। बाकी आपने कल ये ब्लॉग एक दिन छोड़ के आ रहा है, और जो कल हमने किया, कल कुछ खास हम रुके थे, कुछ कुछ भाई मिलने आए थे, सो आप देखिए। भाई अभी यहीं खड़े ढाबे पे अपने भाई जम्मू वाला ढाबा, आज तो लोड हुआ नहीं है, सब भाई आए मिलने के लिए, भाई ने सरप्राइज दे दिया। ये सब भाई भी है जो यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, ये भी यहाँ पे देख के रुक गए, तो यार मतलब खुशी मिली है, इतने सारे भाई एक साथ आए पहली बार, भाई दिल से शुक्रिया यार वीडियो देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। जी भाई कैद कर MP में, अब देखते हैं कल भी मुश्किल ही अगर लोड होगा तो जाएंगे, नहीं तो कल भी यहीं, जो इतने भाइयों का प्यार है तो मैं समझो अपने घर में, टेंशन ही नहीं है यहाँ पे कोई। चलो हम तो घर ले जाने अब भी, चलो तुम गाड़ी को यहाँ रहने दो, लाग करो कोई दिक्कत थोड़ी ना, गाड़ी में बैठो ना, चलो उधर चलो। अरे भाई आए कहाँ से? इंदौर से आए? हाँ मैं अभी इंदौर से आ रहा हूँ भाई, इधर लोड के लिए ऑटो लेके आए इंदौर से यार। मतलब बड़ी बात होती है किसी के लिए टाइम निकालना आना, मतलब अभी आप भी घर में फोन चलाते हैं या खाना खाते लेटते हैं निकल के आते हैं, टाइम देना बहुत बड़ी बात है भाई, तुम्हारा ही फर्ज बनता है जो आया उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको टाइम देना। दूर जाती है राम, हम गाँव बाहर है, जा रहे हैं हम भाई खाली गाड़ी लेके घूमने के लिए। और से ना ये वो भाई ने लाई, अच्छा वो भाई ले, हां वही तो बोल रही थी वो, अरे वो चने, ये चने मस्त लगे, बैठ के रात पूरी गाड़ी चलाओ, एक शीलो खाओ फिर चलाओ, है भी सही है, हमारे खेत में लगे हुए थे, इधर से कब जाओगे बताना, नहीं तो चलना सुबह घुमाएंगे आपको, आओ ले चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बन रहा है वीडियो, यहां मजाक कर रहे हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, ये तो कल पता चलेगा, नहीं अभी चलना है, डालेगा ना कर दो, ले जाने के लिए तैयार है हम तो, डालेंगे डालेंगे। सभी भाई बैठे थे अपनी गाड़ी में, हम उतर चुके हैं, और देखो ये छोटा सी गाड़ी लेके आए भाई इंदौर से, इंदौर से, और आप गाड़ी लाडो 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 रहे वो भिंडी पर भी जा रहे हो, भी मिलेंगे सभी भाई यहाँ पे मिलने आए, वो देखो वो ट्रक, और यहाँ पे हमारी गाड़ी से जितने देख रहे हो ना, ये सभी भाई पूरी से लाइन लग गया, जो जो भाई हमसे मिलने आए, मतलब उन्होंने देखा होगा गाड़ी भी उनकी खाली थी, मतलब टाइम था उनके पास, तो यहाँ पे ट्रक ड्राइवर जो आ गए, जो छोटी गाड़ी थी वो वापस चले गए, और अभी अनिल भाई सभी वहाँ पे बैठे हुए, अनिल भाई वहाँ पे बैठे हुए, अनिल भाई और वहाँ पे बैठे हुए, तो अपनी गाड़ी का नाम है जानी, और जो गाड़ी आई ना बीच में वो वही छोटी गाड़ी, उसका नाम था लाडो, मतलब ऐसे दिमाग में क्रिएट आ गया कि जानी को मिलने लाडो भाई। अभी बस लाइट भी ज़्यादा ऑन नहीं करते क्योंकि कल से गाड़ी खड़ी है, तो अपने आपको पता चार्जर वाला कितना काम है, तो बैटरी डेड हो जाएगी, ऐसे बैकअप के लिए कोर है। ये देखो भाई ये भाई लोग आपसे मिलने आए थे कल, अगर हम इनका नहीं डालते तो नाराज होते ना भाई, रात को देखो कितने भाई है, कितने भाइयों का प्यार, तो भाई शुक्रिया भाई MP से भाई इतना प्यार देने के लिए। बस अब बज रहे 9:30 बजे तक हमें लोड का कन्फर्म हो जाएगा, अगर कहीं बाहर मिला या नहीं मिला, अब नासिक हम पक्का जाएंगे आज, क्योंकि आज दूसरा दिन है हमारा गाड़ी खड़ी, गाड़ी ये भाई की वो भी पहचान की, और रात को भी काफ़ी गाड़ियाँ थी पहचान की सब, तो यहाँ रुकी थी, तो रात को आपने देखा भाई वो पूरी 2200 लेके आए थे सब मिलने के लिए,
जा रहे हैं भाई भाई। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है भाजी? बस वधिया भाजी, होगा आज नहीं कोई, सिर्फ भाई आगे पीछे फोन 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 कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। देखो अब राजेश ऊपर से गाड़ी साफ कर रहा है, ये अंदर से कर रहा है। दिन के दो खाना वगैरह भी खाया, बस एक लास्ट फोन अभी व्यापारी को, उसको जा रहे हैं सावधा यहाँ से खाली खाली 200 किलोमीटर है भाई, क्या करना। वहाँ पे भी एक दिन रुकना ही पड़ेगा शायद, तभी माल मिलेगा। यहाँ पे होली करके ना यहाँ पे काफ़ी छुट्टियाँ चल रही, क्योंकि यहाँ पे त्यौहार को काफ़ी धूमधाम से बनाया जाता है, तो उस वजह से यहाँ पे थोड़ी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो थोड़ा दिक्कत हो गया। ये देखो गाइस, न्यू 16 चक्का गाड़ी भाई टाटा की। ये देखो बाकियों पर लिफ्ट में एक टायर उठता है, इसके डबल टायर उठते हैं। अभी इन गाड़ी की और 14 चक्का गाड़ी की काफ़ी डिमांड है ज़्यादा मार्केट में, 10 चक्का से ज़्यादा है। देखो कितनी प्यारी गाड़ी है, जो ये टायर उठे ही देख के लगता है ऐसे हैवी गाड़ी, हैवी टायर। देखो कितनी लंबी, आई थिंक 32 फीट होगी गाड़ी है। भैया जा रही है अंगूर के लिए, अपने जम्मू की गाड़ी JK 14। वो देखो जम्मू की एक और आ गई भाई, वो 14 चक्का, काफ़ी प्यारी गाड़ी भाई। कमेंट करके जरूर बताना आपको ये गाड़ी कैसी लगी भाई। ये नहीं बनानी, एक सपना है अपना 14 चक्का का, जब अपने जानी फ्री हो जाएगा ना, सब इसका बैंक खत्म हो जाएगा, फिर हम अपना 14 चक्का बनाएंगे आप सबके प्यार और सपोर्ट से। अगर आपने ऐसे ही प्यार बनाए रखा तो जल्दी 14 चक्का लाएंगे हम भी, अभी नहीं एक साल बाद। भाई कल भी आए थे, आज भी भाई ने जितना हो सकता है अपनी जगह फ़ोन किया, पर अब थोड़ा त्यौहार के करके छुट्टियाँ चल रही हैं, नहीं तो माल तो बन जाता। और सुबह से एक घंटे से भाई अपने साथ हैं, अब चलो निकलते हैं अभी यहाँ से। ठीक है भाई, फिर आते हुए भाई से मिलेंगे, नहीं तो भाई अब पिछली बार भी भाई हमारे जोरी से होकर जाते थे, तब तो पहचान भी नहीं थी। जब इंसान जाता है कहीं पे तो ही पहचान होती है, ऐसे रास्ते में तब दो मिनट भाई मिले, हम भी जल्दी में होते हैं, हाई हेलो ही होता है, तो इतने अच्छे से पहचान नहीं हो पाती। तो अभी निकलते हैं, 2-3 घंटे का रास्ता। ये तो सपना है एक अपना, 14 टायर। निकल पड़े भाई सावधा के लिए, अब यहाँ से 10-12 किलोमीटर हमें फोर व्हीलर पर जाना, उसके बाद भाई मस्त व्यू और रोमांटिक व्यू। रात को वहाँ पर रिक्शा चलना, पर दिन को बेस्ट है वहाँ पर निकलने, अभी टोल कटवाना पड़ेगा एक, अब सावधा पे भी गाड़ियाँ ऐसा नहीं है। ठीक है भाई बाय। भाई की कैप गिर गई यार, ऐसी भाई गाड़ी को बटे किया। अभी सावधा पे भी गाड़ियां हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं कहाँ का माल मिलता है हमें। हमें रजौरी पुंछ जम्मू उधमपुर कहीं का भी मिलेगा, हम भर के निकल आएंगे। इस जगह थोड़ा मंदा हो गया धंधा, क्योंकि ना त्यौहार के लेके करके, पर चलो क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में है वो तो मिलेगा, जो नहीं आप जितना मर्जी कोशिश करो वो नहीं मिलेगा। 4-4.5 किलोमीटर का रास्ता भाई, 182 किलोमीटर सावधा, 200 किलोमीटर खाली। चलो बस वहाँ से अच्छे से लोड हो जाए, वहाँ जाके परेशानी ना आए। भाई यही परेशानियाँ होती हैं, गाड़ियाँ लोड नहीं होती ना, दिन टूटते हैं तो ही किस्तें मरती, नहीं तो गाड़ी कोई नहीं डूबती है। जैसे अभी जा रहे थे हम सावधा के लिए, एक तो ये भाई मिले, भाई कह रहे चाय पी लो, मतलब कल से हमने बहुत चाय पी है। और यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट है अपना माँ नर्मदा ट्रांसपोर्ट, तो वहाँ से अपनी गाड़ी हमने पक्की कर ली। अपना शाहरुख भाई है कि यार उन्होंने गाड़ी पक्की करवाई अपना पपीता सुबह अमृतसर के लिए। तो बैठते हैं गाड़ी में, थोड़ी देर शाम को चल जाएंगे अपने ढाबे में, वहाँ लगाओ भी सीधी गाड़ी लगा रहे हैं भाई गाड़ी। अभी हम घूम रहे हैं भाई दामोदर मार्केट भाई के साथ, एक हमें पावर बैंक लेना था और भाई को भी थोड़ा फोन पे डिस्प्ले डाल देंगे। गाड़ी वहीं खड़ी है ट्रांसपोर्ट पे, सुबह ही जाएंगे लोडिंग करने के लिए दामोदर। ले लिया भाई पावर बैंक भी, इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ रही थी, यहाँ पे गर्मी और रात को बैटरी डर होती है, सोचा कि इस पे चार्ज लगा ले करेंगे, इसको भी जो गाड़ी चलती है इसको भी चार्ज कर लेंगे, उसके बाद इससे हम कुछ भी चार्ज कर सकते हैं आगे। ऐसे गर्मी इतनी ज़्यादा ना यहाँ पे, मेरे को पसीना, मैं गाड़ी में बैठा था, राजेश अंदर है वहाँ ट्रांसपोर्ट पे, अगर 4-5 कुर्सी सारी हम भी बैठ लेंगे तो भाई वो बोलेंगे यार चंगे बंदे आके बैठ गए, इसलिए राजेश वहाँ मतलब गद्दा लगा बैठा है, फ़ोन भी चार्ज लगा रहा है, पंखा है। अब तो बाहर का मौसम भी थोड़ा सही हो गया, रात को गाड़ी यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी आई होप सेफ ही होगा टोल के पास, बट रिक्स जरूर लेना। यहाँ से 3-4 किलोमीटर अपना वो जम्मू वाला ढाबा वापस चले जाएंगे, जम्मू वाले ढाबे में सुबह भाई ने बोला 6 बजे गाड़ी उस चौक में ले आना, वहाँ से लेबर बैठेगी, तो हम 6 बजे वापस गाड़ी लेकर उस चौक में आ जाएंगे, वहाँ से लेबर के साथ निकलेंगे। तो होप यार कल अच्छे से हमारी गाड़ी लोड हो जाए, आज भी आपने देखा, बाकी आज तो ब्लॉग अच्छा रह गया क्योंकि आपने कल वाला भी देखा, कल कितने लोग भाई मिलने के लिए, उनमें से एक ही भाई थे जो आज शाहरुख भाई, जिन्होंने हेल्प की, मैंने उनको बाय करके बोला, मैंने भाई ने बहुत हेल्प की, हम निकलते हैं सावधा के लिए, पर भाई ने फिर से फोन किया ना, यहीं रुको टोल मत कटाना, टोल से पहले रुको, मैं ऐसे रुका, बोला यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट मिल रही है, मैंने बोला हाँ मिलती है भाई, वहीं रुको मैं आ रहा हूँ। बात ये पपीता लोड करना है हमें, जो कि हमारी बिल्टी ना ये कट चुकी है, ये माँ नर्मदा ट्रांसपोर्ट कंपनी है, दनोद में मेरे को नाम भूल जाता है ना, यहाँ से हमें 40-50 किलोमीटर जाना है, उसके तरबूज पपीता लोड करना है, और हमारी मेरी लाइफ का फर्स्ट ट्रिप है ये पपीते का, मैंने आज तक पपीता नहीं लोड किया, सबका ये मेरा फर्स्ट है, गौरव का भी राजेश का सबका फर्स्ट है, तो देखते हैं कितनी देर की मंडी देंगे, क्योंकि मंडी पपीते की मंडी टाइट रहने वाली है, गाड़ी खींच के रखेंगे, 15 टन माल होगा, 14-15 टन,
पंडर लोड गाड़ी है, कोई टेंशन नहीं है। बस कल जैसे पपीता लोड होगा गाड़ी में ब्रेक करवाएंगे, उसको गाड़ी खींच लेंगे, क्योंकि कल नाइट में रात को अच्छे से खींच के देनी पड़ेगी। और कल का ब्लॉग भाई बहुत मस्त रहने वाला है, आपको अपने साथ कहना कि पपीते के बाग देखेंगे, पर जो भाई मेरे को देख रहे हैं क्वारंटाइन में, अभी तक आपने पपीते के बाग नहीं देखेंगे, तो कल आपको देखने को मिलेगा पपीते के बाग। अभी पानी की बॉटल मंगवाई, पानी पीते हैं। बज के भाई शाम के 7 बजने वाले, अंधेरा होने वाला, गाड़ी अपनी यहाँ पे ही। ये अपने भैया और ये इनकी ट्रांसपोर्ट, माँ नर्मदा ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब यहाँ पे पानी वगैरह डालते, धूल उठती है ना, तो आज गाड़ी यहाँ पे ही है। फिर भाई आए थे, भाई रात को भी आए थे मिलने के लिए, आपने देखा, पहचाना होगा, सुबह दिखाया था जो आपने पहले इसी वीडियो में देखा, तो अभी भी यहाँ पे आए थे। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, अब सुबह जाएंगे लोडिंग के लिए, होप कल शाम तक लोड हो जाए, फिर निकलेंगे। कल तो मस्त आपको दिखाएंगे पपीते के बाग, पपीता कैसे लोड होता है, मैं भी फर्स्ट टाइम लोड कर रहा हूँ। बाकी केला दिखाया आपको, संतरा दिखाया, अंगूर दिखाया, तरबूज भी दिखाया, अब कल दिखाएंगे पपीता। ये भाई की ट्रांसपोर्ट, अपने भाई है एक, अपने भाई गाड़ी चला के लाए, मैं भाई की बाइक लेके आया। कैसी लगी भैया? अब भाई यहाँ से अंदर जाएंगे, सुबह मेरे को यहाँ से अंदर जाना लोडिंग के लिए, मैं जाऊँगा अपने जम्मू वाले ढाबे में। भाई चले गए वो भी अपने घर पे, अब हम जा रहे हैं ढाबे पे, ढाबे वाले बोलेंगे या फिर से आ गए, पर चलो बिल्टी लेके जा रहे हैं कम से कम, पता सुबह लोड करने जाना ही है। 5-6 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ गया, पर टेंशन फ्री तो इंसान सोएगा रात को। पहुंच गए अपने ट्रांसपोर्ट पे, सॉरी ढाबे पे। एक तो दिमाग काम नहीं कर रहा यार, कहाँ पहुँचे क्या कर रहे हैं, पहले नहा लेते हैं, नहा के नींद भी अच्छी आएगी आराम से, सुबह 6 बजे जाना, ऊपर वाले का नाम लेके अच्छे से लोड हो जाए। बचेगा नहीं बचेगा क्या बताएंगे भाई, इसका कितने किराए में जा रहे हैं। बस एक बात बताऊँ, कैंटर वाले के माल पे जा रहे हैं, जो माल कैंटर को मिलता है उसी पे जा रहे हैं।